प्रिय छात्रों, मैं शैलेंद्र सिंह, सहायक अध्यापक, सुखदेव इंटर कॉलेज खागा, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, शासन के निर्देशानुसार आप सभी लोगों के सम्मुख ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन हेतु उपस्थित हूं। पिछले दिनों में मैंने पोषण तथा पाचन तंत्र का वर्णन किया था। आज मैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत रुधिर परिवहन तंत्र का वर्णन करूंगा। रुधिर परिवहन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहले हम रुधिर के बारे में जानेंगे। रुधिर ब्लड, जैसा कि आप जानते हैं, जब कहीं आपको चोट लगती है तो लाल रंग का जो तरल पदार्थ चिपचिपा निकलता है वह रुधिर है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो लाल रंग का अपारदर्शी चिपचिपा सा होता है, जिसका पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है, अर्थात यह हल्का क्षारीय होता है। मनुष्य में रक्त शरीर के भार का 7 से 8% तक पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य जिसका भार लगभग 70 किलोग्राम है, उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। महिलाओं में अपेक्षाकृत पुरुषों की तुलना में लगभग 0.5 लीटर कम रक्त पाया जाता है। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होती है, जो निर्जीव प्लाज्मा तथा जीवित रुधिराणुओं के द्वारा बना होता है। तो रुधिर क्या है? ये रुधिर दो चीजों से बना है। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु। जैसे ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, तो ड्रॉप में ये रुधिर की ड्रॉप है, तो इसमें तरल पदार्थ, जो तरल पदार्थ है ये क्या है? ये प्लाज्मा है। इसी में ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और ये संपूर्ण भाग मिलकर क्या बनाता है? रुधिर बनाता है। अब हम प्लाज्मा की चर्चा करते हैं। यह प्लाज्मा जो है, रक्त का जितना ये हमारा रुधिर होता है, इसका 55 से 60% भाग होता है, और इसमें लगभग 90 से 92% जल तथा शेष 8 से 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 7 से 8% रक्त प्रोटीन, इनमें फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रमुख है। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये रुधिर के थक्का बनने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब चर्चा करते हैं रुधिराणुओं की। रुधिराणु में लाल रक्त कणिकाएं पहली हैं, लाल रक्त कणिकाएं, जिनको हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, आरबीसीज। लाल रक्त कणिकाएं 45% केंद्रक रहित, 8 माइक्रोन व्यास तथा 1 से 2 माइक्रोन मोटे वृत्ताकार उभयावतल होते हैं, इस प्रकार से, जिनमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक किसमें पाया जाता है? केवल ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। शेष सभी स्तनियों में जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनकी औसत जो संख्या होती है 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। हीमोग्लोबिन स्वस्थ मनुष्य में 15 ग्राम प्रति 100 मिली रक्त होती है, जिसकी औसत आयु 100 से लेकर 120 दिन तक होती है। लाल रक्त कणिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है
हीमो और ग्लोबिन, ये दो शब्द हैं हीम तथा ग्लोबिन। हीम नामक रंजक है जिसके कारण ये लाल होते हैं और ग्लोबिन जो है प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन जो होती है हीमोग्लोबिन जो है एक ऐसी प्रोटीन है जिसके कारण आरबीसी जो होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। इन्हीं के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इनका उत्पादन जो होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। ये जो पैदा होती हैं भूरी अवस्था में ये यकृत और प्लीहा में भी बनती हैं, तथा इनकी मृत्यु जो होती है ये यकृत तथा प्लीहा में होती है। इसीलिए आरबीसी की कब्रिस्तान या कब्र यकृत और प्लीहा को कहते हैं। अब दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसीज ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, लसिका के नोड्स में ज्यादा मात्रा में बनते हैं और ये रंगहीन होते हैं तथा केंद्रक युक्त होते हैं। इसमें बड़े आकार की संख्या होती है, 5 से 9 संख्या में होते हैं। प्रति 1000 घन मिलीमीटर रक्त होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है कणिकामय और दूसरा है अकणिकामय। तो कणिकामय इनमें है एक कणिकामय और दूसरे हैं अकणिकामय। तो जो कणिकामय है इनमें इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इनमें जो है पहला है इसिनोफिल, इओसिनोफिल, दूसरा है पहला इओसिनोफिल, दूसरा है बेसोफिल्स, और तीसरा है देखिए बेसोफिल्स और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। इसमें जो प्रमुख है वो न्यूट्रोफिल्स हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं न्यूट्रोफिल्स। अब इनके बारे में देख लें, जो इसिनोफिल्स हैं, इसिनोफिल्स ये 70 से लेकर 300 प्रति घन मिली रक्त हो पाए जाते हैं। एलर्जी प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनिटी एवं अति संवेदनशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका इनका होता है। देखा होगा जो एलर्जी होती है डस्ट के प्रति यानी किसी के आंख छींके आती हैं, इसके लिए इसिनोफिल्स होती है। इसकी यदि मात्रा बढ़ जाती है तो इसिनोफिल्स बढ़ जाने से एलर्जी, जुकाम, छींके आदि आने लगते हैं। दूसरा है बेसोफिल्स, ये 35 से 150 प्रति घन मिली रक्त पाए जाते हैं। तीसरे हैं न्यूट्रोफिल्स जिनकी संख्या सर्वाधिक होती है, ये 4000 से लेकर 5000 घन मिली रक्त पाए जाते हैं और ये अमीबिक टाइप की होती हैं। ये केंद्रक है जैसे अमीबा की तरह और ये गति करते हैं, अमीबिक गति पाई जाती है और ये जो बैक्टीरिया हैं, अन्य रोगाणु हैं, उनका भक्षण करते हैं और हमको रोगों से बचाते हैं। इनमें कूटपाद होता है जो भ्रमण करते हैं, रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और एंटीजन या प्रतिविष उनको भी नष्ट करते हैं। ये प्रमुख है हमारे डब्ल्यूबीसी में। तो डब्ल्यूबीसी का काम है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। तो मैंने आपको बताया रुधिर बना किससे, प्लाज्मा और रुधिराणु से। रुधिराणु हो गए आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को मैं कणिकामय और अकणिकामय, ठीक है, जो कणिका रहित होते हैं।
कणिका में इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स तीन प्रकार के हैं। अब कणिका रहित या अकणिकामय, इसमें देखिए जो अकणिकामय है इसमें पाया जाता है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स पहला है लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स हैं ये 1500 से लेकर 250 प्रति घन मिली होते हैं। ये प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, ये क्या करते हैं प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं लिम्फोसाइट्स 1500 से लेकर 2500 घन मिली। इसी प्रकार से इसमें दूसरे हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट जो मोनोसाइट है इसमें 200 से लेकर लगभग 700 प्रति घन मिली होते हैं। ये सक्रिय भ्रमण करते हैं तथा जीवाणु एवं हानिकारक पदार्थों को भक्षण करते हैं और श्वेत रुधिर कणिकाओं की जो ये पूरे हैं इनकी जो औसत आयु होती है 2 से लेकर 4 दिन होती है। इनकी आरबीसी की 100 से लेकर 120 दिन तक औसत आयु होती है। ये रुधिर में ही इनका इनकी मृत्यु होती है, 2 से 4 दिन में ये नष्ट हो जाते हैं और रुधिर में होते हैं। आरबीसी जो नष्ट होते हैं वो मैंने आपको बताया है यकृत तथा प्लीहा में, इसीलिए आरबीसी का कब्र कहते हैं यकृत और प्लीहा में। इस प्रकार से ये हमारी रुधिर की संरचना है। रुधिर किससे बना है प्लाज्मा और रुधिराणु से। प्लाज्मा जो तरल भाग है, जो रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग है प्लाज्मा है, जिसमें ये रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। रुधिर कणिकाओं में जो है कणिकामय और अकणिकामय, पहले तो आप देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, केवल केंद्रक किन में पाया जाता है स्तनधारियों में ऊंट और लामा में, बाकी किसी भी स्तनधारी के लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में 2 प्रकार की हो गई, कणिकामय और अकणिकामय, जिनमें कणिकाएं नहीं होते चूंकि ग्रुप में होते हैं इसलिए इनमें कणिकाएं पाई जाती हैं। कणिकामय में इसनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा संख्या होती है, इसनोफिल्स की बहुत थोड़ी संख्या होती है लेकिन अति आवश्यक है। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है 300 से ज्यादा हो जाएगी प्रति मिली में 10 मिली में, तो इसकी संख्या बढ़ जाने से जुकाम, एलर्जी और खांसी आने लगती है और ये एलर्जी के प्रति संवेदनशील है, अति संवेदनशील है। बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा संख्या होती है न्यूट्रोफिल्स की, और ये न्यूट्रोफिल्स जो है अमीबा की आकृति के होते हैं, अमीबी गति पाई जाती है और ये गति करके क्या करते हैं रोगाणुओं का, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। इस प्रकार से ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी जो है इम्यूनिटी इसमें बढ़ती है, पदार्थों को जो प्रतिविष हैं उनको नष्ट करते हैं। कणिका मैंने लिम्फोसाइट्स ये प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं, ये भी रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। और दूसरे हैं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स जो हैं इनमें जो होता है जीवाणु और हानिकारक पदार्थों का ये भी भक्षण करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे रक्त की संरचना हुई। अब रक्त में आता है ब्लड ग्रुप या रुधिर वर्ग। कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1900 में ब्लड ग्रुप का पता लगाया। और ब्लड ग्रुप का पता किससे चलता है, ब्लड में जो प्लाज्मा है इसमें प्लाज्मा में एंटीजन और एंटीबॉडी बॉडी के आधार पर
ब्लड ग्रुप चार प्रकार के हैं। देखिए, एक में एंटीजन ए, ये क्या है, एंटीजन ए, एंटीजन ए बी, ए बी और कोई नहीं, तीन प्रकार के, चार प्रकार के हैं, कोई नहीं। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए में एंटीबॉडी होता है बी, बी में एंटीबॉडी होता है ए, ए बी में होता है कोई नहीं, और इसमें होता है जो ओ ब्लड ग्रुप है, यहां ब्लड ग्रुप है यह रुधिर वर्ग, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ए बी और ये हो गया ओ। इसमें थोड़ा काटो, हाँ, यहां पर रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए तथा बी और एंटीबॉडी कोई नहीं, ये एंटीबॉडी है इसकी, और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई नहीं होता है, एंटीबॉडी ए तथा बी। इस प्रकार से ये एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर चार प्रकार के ब्लड ग्रुप उन्होंने निकाला जो है लैंड स्टीनर में, कार्ल लैंड स्टीनर में। चूंकि जब एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों एक ही प्रकार की हो जाती है तो ब्लड सेल्स आपस में चिपकने लगते हैं। ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर कार्ल लैंड स्टीनर ने चार प्रकार के बताए, ब्लड ग्रुप ए जिसमें एंटीजन ए एंटीबॉडी बी पाई जाती है, तथा ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए पाई जाती है, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए तथा बी और एंटीबॉडी कोई नहीं होती है, इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन कोई नहीं होता है और एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों होती है। इसके अलावा आरएच कारक, आरएच कारक या आरएच फैक्टर, इसको भी कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1940 में रीसस बंदर के ब्लड का विश्लेषण करके उसके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिसे आरएच कारक कहते हैं, जिनमें पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहते हैं और जिसमें नहीं पाया जाता उसे आरएच निगेटिव कहते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के रुधिर में भी आरएच कारक पाया जाता है, तो आरएच जिस कारक में जिसमें पाया जाता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, तथा जिसमें नहीं होता है उसे आरएच निगेटिव कहते हैं। इसका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है इस कारक का, आरएच फैक्टर का, चूंकि रक्त के आधान में जब किसी रोगी को रक्त दिया जाता है तो आरएच कारक का भी परीक्षण किया जाता है। इसमें ब्लड ग्रुप को तो पता करते ही हैं, साथ साथ आरएच कारक का भी पता करते हैं। अब बात करते हैं कि किसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एंटीजन और एंटीबॉडी एक ही नहीं होनी चाहिए, अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए नहीं होनी चाहिए, बी एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, दोनों समान एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए एंटीजन एंटीबॉडी, अन्यथा उनकी ब्लड सेल्स आपस में चिपक जाती हैं और चिपकने से क्या होगा, ब्लड जो है कोगुलेट कर जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड का रुधिर का परिवहन रुक जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो किस प्रकार से ब्लड का आधान किया जाता है, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी है, तो इसको किसका ब्लड दिया जा सकता है, ए को बी का, क्योंकि एंटीजन ए हो जाएगा इसलिए बी का जो है इस ए वाले को रुधिर नहीं दिया जा सकता है, ए बी में जो है एंटीजन जो होता है एंटीजन ए और बी दोनों होता है और इससे क्या होता है एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो बी होने से यहां पर बी एंटीबॉडी इसकी मिल जाएगी तो ये भी कोगुलेट कर जाएगा। ओ में चूंकि
एंटीजन कोई नहीं होता है, एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती है, तो इस आधार से ओ ब्लड ग्रुप को ए को दिया जा सकता है। इसी प्रकार से बी में बी वाले को बी का ब्लड दिया जा सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए है और ब्लड ग्रुप बी वाले मरीज को बी का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है तथा ओ का दिया जा सकता है क्योंकि बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होता है। इसमें ओ में एंटीबॉडी बी पाया जाता है इसलिए ओ को भी ओ का ब्लड ग्रुप बी को दिया जा सकता है। इसी प्रकार से ए बी है, ए बी में एंटीजन ए तथा बी दोनों होती है और एंटीबॉडी कोई नहीं होती, चूंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है इसलिए इसको ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ बी ए ओ तीनों का ही ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है और इस प्रकार से यह ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है। ए बी क्या है? सर्वग्राही। और चूंकि ओ ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों होती है और एंटीजन नहीं होती है इसलिए ब्लड ग्रुप ए क्या करता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता होता है, सर्वदाता। तो इस प्रकार से बच्चों ब्लड का जब किसी दूसरे रोगी को चढ़ाना है ब्लड, तो उसमें ब्लड का टेस्ट किया जाता है उनके प्लाज्मा में एंटीजन और एंटीबॉडीज का पता करके, और उसमें जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो ए वाले को ए का या ओ का, बी वाले को ब्लड ग्रुप बी का या ओ का तथा ए बी वाले को ए का, बी का, ए बी का और ओ का, चारों का ये ले सकता है, ये सर्वग्राही है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ओ है तो ब्लड ग्रुप ओ में चूंकि एंटीजन कोई नहीं होता और एंटीबॉडी दोनों होती हैं, इसलिए यह केवल अपना ही ब्लड ग्रुप का ग्रहण कर सकता है, ओ वाले का ही उनको मिलेगा। इस प्रकार से ये हो जाता है केवल सिंगल लेने वाला, लेकिन देने के लिए सभी को देता है इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। साथ में ये भी देखा जाता है आर एच कारक पॉजिटिव और निगेटिव के आधार पर दिया जाता है। यदि किसी रोगी को आर एच निगेटिव रोगी को, जिसमें ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप को जब हम ट्रांसफर करेंगे, चढ़ाएंगे या आधान करेंगे, तो आर एच निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को यदि आर एच पॉजिटिव वाले रोगी का रुधिर चढ़ा देंगे तो क्या होगा, पहली बार तो इसके प्रतिरक्षी एंटीजन तैयार हो जाएंगे और इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भविष्य में कभी दोबारा एक चढ़ा दिया गया तो इनकी ब्लड सेल्स कोआगुलेट कर जाएंगी और कोआगुलेट कर जाने से उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा और ऐसी स्थिति में उस रोगी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए यदि आर एच निगेटिव का है तो उसे आर एच पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जाएगा, और आर एच पॉजिटिव का है तो आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव का है तो आर एच निगेटिव का ही ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाएगा। इसका भी ध्यान दिया जाता है रुधिर आधान में। एक चीज और है ब्लड ग्रुप में आर एच कारक का, एक यदि किसी आर एच निगेटिव किसी भी ब्लड ग्रुप की महिला हो, आर एच निगेटिव महिला का विवाह, महिला का विवाह आर एच पॉजिटिव पुरुष से हो जाए, आर एच पॉजिटिव पुरुष से हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब इनका पहला भ्रूण होगा तो उस भ्रूण में जो होता है इस महिला के अंदर उसके क्वाग जो है एंटीजन बन जाते हैं और उस बच्चे में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और बच्चा सकुशल पैदा हो जाता है। लेकिन जब दोबारा गर्भधारण करती है महिला तो उसमें उसके एंटी कोआगुलेंट जो है एंटीजन नहीं बन पाते हैं और उस भ्रूण में ब्लड कोआगुलेट कर जाता है और गर्भ में ही बच्चा खत्म हो जाता है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस
एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब हुआ जब किसी आरएच नेगेटिव महिला का विवाह आरएच पॉजिटिव पुरुष से होगा तो उनसे होने वाली पहली संतान पैदा होगी, लेकिन दूसरी संतान में जो भ्रूण होगा, भ्रूण के जब ब्लड फॉर्मेशन होगा तो उसके ब्लड सेल्स आपस में कोआगुलेट कर जाएंगे और गर्भ में ही बच्चा समाप्त हो जाएगा, अगला बच्चा पैदा नहीं होगा। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इस प्रकार से ब्लड की हमने आपको चर्चा की, ब्लड की अभी तक यहां तक जो चर्चा हमने करी है उसमें ब्लड प्लाज्मा सेल्स और उसमें मुख्य जो घटक है आपका आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में जान लें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन जो होता है लगभग यहां आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो सोते वक्त लगभग 5% कम हो जाती है तथा जब ऊंचाई में लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर मनुष्य जो रहते हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 30% तक बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन को नापने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा इसकी जो है गणना की जाती है, इसकी माप की जाती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे रुधिर का थक्का बनना। अब रुधिर में थक्का बनना एक महत्वपूर्ण घटना है। जब मनुष्य के चोट लगती है तो चोट लगने में रुधिर का स्राव होता है, उस स्राव के बाद जो रुधिर क्लॉट करता है, थक्का बनता है, रुधिर के स्राव को रोकता है। यह क्रियाविधि कैसे होती है इसका हम वर्णन करते हैं, समय कम है इसलिए इसको संक्षेप में लिख दिया गया है। जब चोट लगती है तो रुधिर निकलता है जिसमें क्षतिग्रस्त ऊतक और उसके साथ रुधिर प्लेटलेट्स निकलते हैं। इनको दो अलग अलग भागों में विभाजित कर लेते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स में प्लेटलेट तत्व तीन बनता है, होता है। वो क्या करता है, जो प्लाज्मा की प्रोटीन है, प्लाज्मा में प्रोटीन प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजिन दो पाई जाती है, पहले मैं आपको वर्णन कर चुका हूं। तो प्लाज्मा प्रोटीन कैल्शियम आयन की उपस्थित में प्रो थ्रोम्बिनेज एंजाइम का स्राव करते हैं, जो क्या करते हैं इस थ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम इसको हिपेरिन और उसके साथ एंटी प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं जो रुधिर को जमने नहीं देते हैं उनको निष्क्रिय कर देते हैं, और निष्क्रिय करने पर जो प्रोथ्रोम्बिन है वो प्रोथ्रोम्बिन हमको सक्रिय अवस्था में यानी कि जमने की अवस्था में प्राप्त हो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन हमको बनता है। थ्रोम्बिन क्या होता है, वो जमने वाली स्थिति में आ जाता है, पहले हिपेरिन और एंटी प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है निष्क्रिय कर देता है, इसको निष्क्रिय किया जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के द्वारा और प्रोथ्रोम्बिन फिर थ्रोम्बिन में बदल जाता है। दूसरा जो प्रोटीन है जिसे कहते हैं फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है ये घुलनशील अवस्था में रहता है प्लाज्मा प्रोटीन में, प्लाज्मा में इसमें थ्रोम्बिन आके इसके साथ संयुक्त होकर फाइब्रिन प्रोटीन में बदल जाता है, इसके तंतु बन जाते हैं, ये भी अघुलनशील बन जाता है और जल उससे पृथक हो जाता है, इसके तंतु उस घाव के ऊपर इकट्ठे होकर रक्त का जो है ब्लड सेल्स और ये प्लेटलेट्स ये आके तंतु बना लेते हैं और रुधिर का थक्का बन जाता है और इसी से रुधिर का स्राव बंद हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया थक्का बनने की है। प्रिय छात्रों इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और साथ ही साथ रुधिर सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, ओ सर्वग्राही एबी, ये काफी प्रश्न में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन जो है हमारी जो श्वसन क्रिया है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका परिवहन करता है, मुख्य रूप से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, यह घुलित अवस्था में जाता है और इसका फिर
अवशोषण होता है, फिर यहाँ जब प्रकाश उपापचय क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। यदि हमारे रुधिर से हीमोग्लोबिन कम हो जाए या समाप्त कर दिया जाए तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी बच्चों? इसमें श्वसन क्रिया प्रभावित होगी, क्योंकि हम जब ऑक्सीजन का परिवहन ही नहीं कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारी श्वसन क्रिया प्रभावित हो जाएगी। इस प्रकार से इस रुधिर परिवहन के साथ साथ श्वसन क्रिया का सीधा संबंध है। इसको हम अगले कल के चैप्टर में, पहले रुधिर परिवहन तंत्र में हृदय की संरचना और उसकी कार्यविधि का वर्णन करेंगे, इसके बाद श्वसन तंत्र बताएंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रश्न में जो हमने आपको बताया है, रुधिर की संरचना बता दी, रुधिर वर्ग बता दिए, रुधिर का थक्का बनना बता दिया, अब कल जो होगा वो होगा हृदय की संरचना का वर्णन। धन्यवाद।